जिस वेले सतगुरु गुरु रामदास साहिब महाराज जी गुरता गद्दी दे उत्ते विराजमान होए सन ते अक्सर इस गल नूं आख्या जांदा है कि उन्होंने अपने पिछले जीवन नूं जदों याद किया ते उन्हां दे मन दे विच ये गल आई सी कि सच्चे पातशाह जिवें दा मेरा बचपन तो लैके ते तुहाडे घर दे नाल जुड़न तक दा वो जीवन है वो इस तरह दा सी कि कोई मेरी गल भी नहीं सी पुछदा, मेरी गल भी नहीं सी सुनदा। ये सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी, गुरु अमरदास साहिब महाराज जी, ये तुहाडी वडियाई है, ये तुहाडी बख्शिश है कि तुसी इन्ना निवाजिया है। बाणी दे विच महाराज जी का वचन आउंदा है, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। ए पातशाह, जिद्दां दी मेरी पहलां दी हालत सी तुसी मेरी उस हालत नूं जानदे सी। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। महाराज ने खुद अपने जीवन दे तजर्बे नूं बोलिया है कि ए महाराज, साडी तों कोई गल वी नहीं सी पुछदा हुंदा। ये गुरु रामदास साहिब महाराज जी ने आख्या ते ऐ सतगुरु तुहाडी बख्शिश होई है, साडे वर्गियां कीड़ियां नूं तुसीं निवाज दिता है, साडे वर्गियां नूं तुसीं बख्श दिता है। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूकै सब सोग संतापे। और गुरु रामदास साहिब महाराज जी दे गुरता गद्दी दे उत्ते बैठण दे समय नूं पट साहिबान ने इदां बोलिया सी, गुरसिखां ने इदां बोलिया, जो बचन असीं हुणे पढ़ के हटे हाँ। वो कहिंदे कि गुरु रामदास साहिब महाराज जी का गुरता गद्दी दे उत्ते बैठ जाना वो किसी करामात तो घट नहीं है। किसी भी बंदे का जिस दा माता पिता 7 साल की उम्र दे विच चढ़ाई कर गया होवे, गुरु रामदास साहिब महाराज जी दे नाल होया सी, 7 साल की उम्र दे विच माता पिता चढ़ाई कर गए, पिछों परिवार दे विच किसी ने नहीं संभालिया, बजुर्ग नानी दे कोल आके रहन लग पए, अपने छोटे भैण भरावां दी जिम्मेवारी भी इन्हां दे उत्ते, और उस हालत दे विच आके भी कदी ये नहीं आख्या कि किसी दे कोलों मंगना शुरू कर दईए, मंगिया नहीं किसी दे कोलों। जे थोड़े दे नाल गुजारा होया तो थोड़े नाल गुजारा करना शुरू किया। बचपन दे विच घुंगड़ियां वेचियां, नानी दा क्योंकि उहदा आसरा तो बहुत है पर उहदा शरीर एडा तगड़ा नहीं कि सारे बच्चों नूं मेहनत करके खवाए। गुरु रामदास साहिब महाराज जी जदों उन्हां दा नाम भाई जेठा है उस वेले मेहनत करदे ने। 7 साल की उम्र दे विच माता पिता चढ़ाई कर जाण, पिछों परिवार वाले वो बहुती बाह ना फड़न, अपना इलाका छड़ के दूसरी थां दे उत्ते आके वसना होवे ते उत्थे भी आके हालात कोई बहुते सौखे ना होण, ते बाद दे विच गुरु अमरदास साहिब महाराज जी दे घर दे विच रह के ये कह देना सौखा है। लगभग 22 साल का समा है जिहड़ा गुरु रामदास साहिब महाराज जी ने सेवा की है। ये खुशेपन दीआं निशानियां हुंदीआं ने, जदों असीं थोड़ा कचिर किते कोई बंदा सेवा कर लवे ते वह जनाउण लग पवे भी हाँ मैनू ते इन्ना समा हो गया है। 22 साल कह देने बड़े सौखे ने, 22 सालों का बच्चा होवे ते वेखो कित्थे तक पहुँच जाता है। इस करके जदों गुरु रामदास साहिब महाराज जी गुरता गद्दी दे उत्ते विराजमान होए ने ते गुरसिखां ने जिन्हां ने गुरु रामदास साहिब महाराज जी नूं वेख्या सी, उन्हां दे बचपन दे बारे गल्लां सुनियां सी, उन्हां दे जीवन दी घटना नूं सुनिया सी, उन्हां ने यही आख्या सी कि धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया। इत्थे महाराज ने सवार दिता है, जिस पाप वाहिगुरू ने पैदा किया है ना उन्हें सवार दिता है। पूरी होई करामात आप सिरजणहार है धारिया, ये समझ लो करामात हो गई है जीवन दे विच। नहीं तो किन्ने बच्चे ने
माता पिता चले जाण पिछों कि ध्यान ना रखण वाला होवे ते किन्ने क जणे किते सीधे रस्ते दे उत्ते तुरदे ने तुसीं आप हिसाब ला के वेख लैणा। इस करके जदों असीं गुरु रामदास साहिब महाराज जी दे जीवन नूं वेखांगे ते पातशाह जी दा जिहड़ा कुल इस संसार दा जीवन है वह सिर्फ 47 साल दा जीवन है। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 80-80 ਸਾਲ 100-100 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਠਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 2-4 ਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 2-4 ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਉੱਦਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ।
वह चढ़ते सूरज दिया सलामा वाला हिसाब है। बस कभी भी तुम वेख लेना भी बस वह पहला वेखते रहेंगे भी ये बंदा किसी पासे लगे तो फिर इनू कुछ कहेंगे, तो जे नहीं लगा उन्हें कहना भी छड़ परा इनू कद लिए कहना है। सारे जाने इस चीज़ नू वेखते ने, यह नवी गल नहीं है, बहुत पुराने समय तो ही जिन्हां रिश्तेदार ने कदी गुरु रामदास साहिब महाराज जी नू बचपन दे विच ध्यान भी नहीं सी रखिया भी माता पिता चढ़ाई कर गए ने ते उहदा कोई ध्यान भी रखिया जावे, जदों उन्हां नू पता लगा भी इह ते गुरु रामदास साहिब महाराज जी गुरु अमरदास साहिब महाराज दे जवाई बन गए ने, तो उदों वह आके कह लग पे भी चलो असी चलीए उत्थे गुरु अमरदास साहिब महाराज दे कोल, सानू पता लग जावे भी असी महाराज जी की बरादरी दे विचों आए हाँ। तो हुण उन्हां ते सोचा सी भी जिदा खरे बाकी जवाइया भाइयों का सत्कार हुंदा तो गुरु अमरदास साहिब महाराज जी दवाई तो बड़ी उच्ची थां दे उत्ते बिठाया होवेगा। हजूर ने की कीता, महाराज जी जदों उन्हां नूं मिले तो आपां जाणदे हां भी सच्चे पातशाह जी टोकरी ढो रहे सी उस वेले, मिट्टी चुक के तो सेवा करते पे से। हुण जिहड़ा बंदा मिट्टी चुकेगा सुभावक है उन्हूं पसीना भी आया होगा तो उहदे कपड़े भी गंदे होए होणगे। तो इत्थे मैं चलो इस विषय नूं अक्सर सांझा करदा हुंदा हाँ, ये संखेप जिहा महाराज दे जीवन दे विचों असीं इस गल नूं लै रहे हाँ भी साढ़े इत्थे जवाई होण दा मतलब यह है भी जे उह सहुरे घर दे विच आ गया है तो उन्हें डका भन के दोहरा नहीं करना, उन्हें कम नहीं करना भी जे उन्हें कम कर लिया ना तो शायद सहुरियां की भी बदनामी हो जाएगी, तो पता नहीं जे उन्हें कम कर लिया तो उहदी कीड़ी ईगो हर्ट हो चली आ भी मैं इत्थे आके कम नहीं करना। चलो हुण ट्रेंड बदलता जा रहा है तो वाहिगुरू कृपा करे तो बदल भी जाए, पर बहुता अजे भी नहीं बदलिया। वो हर बंदा इस गल तो ध्यान रखता है, उही बरादरी गुरु रामदास साहिब महाराज की सोचती है जो आके वेख्या भी महाराज के सिर के उत्ते टोकरी तो पातशाह जी के कपड़े भी मिट्टी के नाल भरे हुए ने, तो उन्होंने आके कह दिता भी तू तो अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रखिया, वो घटो घट सहुरियां के घर के आके काम करी जाना है, तू इस गल का तो ध्यान रख लेंदा। ये अक्सर वेख लेना, बड़े बड़े गलत अखाण बने हुए ने इन चीज़ों तो। गुरु रामदास साहिब महाराज जी की यह हालत वेख के तो उन्होंने शिकायत कर दी गुरु अमरदास साहिब महाराज के अगे जा के भी सच्चे पातशाह भी वो तो चलो बच्चा है तुसीं वेख लेंदे भी तुहाडा उहदे नाल नाता जोड़िया गया है तो तुसीं उस दे कोलों की काम करवा रहे जे। तो गुरु रामदास साहिब महाराज जी ने आप आख्या वो महाराज इन्हां नूं नहीं पता भी गुरु घर की सेवा की हुंदी है, महाराज इन्हां नूं सेवा दा नहीं पता, इन्हां नूं सिर्फ मिट्टी दे विच लिबड़िया शरीर नज़र आउंदा है, इन्हां नूं सिर्फ टोकरी चुकी हुई नज़र आउंदी है, इन्हां नूं सेवा नज़र नहीं आउंदी कि असल दे विच सेवा गुरु घर दे विच है की है। बहुतियां नूं इही चीज़ नज़र आउंदी है जदों उत्तों उत्तों कोई वेखदा है ना गुरु बख्श लवे भी आपां कहांगे जी आ बंदा रोज़ झाड़ू फड़ के बैठा रहिंदा जी, आ बंदा रोज़ पोचा मारी जांदा जी, आ बंदा पौड़ियां दे विच आ सेवा करी जांदा, आ बंदा ओह सेवा करी जांदा। बहुतियां नूं उही चीज़ नज़र आउंदी हुंदी है जो अखां बस वेखदियां पईयां ने सामने, पर वो असल दे विच अंदर एक जीवन बना रही हुंदी है सेवा, अंदर वो बख्शिशां दे ढेर लग रहे हुंदे ने जिहड़ियां समें दे उत्ते ही आके मिलदियां ने जीवन दे विच। गुरु रामदास साहिब ने आख्या महाराज इन्हां नूं नहीं पता, इन्हां दे लई सिर्फ ये मिट्टी की टोकरी ढोण वाला काम है भी बस मिट्टी चुकी है जिदां बाहर कितें चुक लई दी इत्थे भी चुक लई होवेगी। गुरु रामदास साहिब महाराज जी ने अपने रिश्तेदारां दे वल्लों हो के महाराज दे कोलों भुल बख्शाई ते जिंदगी दा वह भी समा आ जांदा है जिदा मैं बेनती की है कि महाराज जी 1574 दे विच गुरता गद्दी दे उत्ते विराजमान होए सी। हुण जदों सच्चे पातशाह जी गुरता गद्दी दे उत्ते विराजमान होए सी ते एक चीज़ बड़े कमाल दी महाराज दे जीवन दे विचों आउंदी है, वेखण वाले सब तो ज़्यादा इसे गल तो हैरान सी भी जिन्हां ने गुरु रामदास साहिब महाराज का बचपन वेख्या सी, जिन्हां ने गुरु रामदास साहिब महाराज जी की सेवा वेखी सी उत्ते कहिंदे सी भी करामात हो गई है असी बचन विचार के हटे हाँ। हुण जदों गुरु रामदास साहिब महाराज जी गुरता गद्दी दे उत्ते विराजमान हो जांदे ने उस वेले महाराज जी दियां जो देणा ने उहदे विच सब तो वड्डी देण यह है अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास साहिब महाराज ने कीती है। सरोवर तो नाम जिहड़ा है वह अमृत सरोवर का नाम अमृतसर है, सर का मतलब ही सरोवर होंदा, अमृत सरोवर का नाम उन्होंने अमृतसर क्या, हौली हौली शहर का नाम भी उहदे विच अमृतसर पक गया है, नहीं तो उहदे लई सुधासर शब्द भी आउंदा है, सरोवर दे लई गुरु का चक शब्द भी आउंदा है,
चक रामदासपुर शब्द भी आता है शुरू के गुरु रामदास है महाराज जी के वलों ये शहर वसाया गया। हाँ इस गल के हवाले भी आ जाते हैं कि गुरु नानक साहब महाराज जी तो लैके गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह तक सतगुरां दे कदम इन्हां अस्थानों के उत्ते पए ने, पर इस शहर नूं शुरू जो किया है वह गुरु रामदास साहब महाराज जी के वलों किया है। और एडे कमाल का शहर है, अक्सर वेख लेना जिन्हें भी असी शायद परसों जां कुछ दिन पहले एक गल आखी सी, बहुते पंजाब दे शहर जां हिंदुस्तान दे शहर वह नदियां दे कंडे वसे हुए ने। महाराज गुरु नानक साहब ने करतारपुर वसाया सी, वह भी रावी दरिया के कंडे दे उत्ते है। गोइंदवाल साहब वसाया गया है गुरु अमरदास साहब महाराज जी के वलों, वह भी सच्चे पातशाह जी ने जदों वसाया तो ब्यास दरिया के कंडे दे उत्ते है। अमृतसर शहर इदां दा है जिन्हों नेड़े उस वेले दरिया नहीं लगता पिया, हालांकि रावी दरिया लाहौर के नेड़े लगता है उस वेले, सच्चे पातशाह गुरु अर्जन साहब का अंतिम समा है, पर यह शहर उस वेले गुरु रामदास साहब महाराज जी ने पहले सतगुरां की सलाह के अनुसार उस वेले जो पूरे पंजाब का सेंटर है, ये तो पार्टीशन के होने करके बाद दे विच एक बॉर्डर के उत्ते चला जाता है अमृतसर, जे पुराने पंजाब का नक्शा वेखांगे तो वह बिल्कुल सेंटर के वसाया होया पंजाब का, उन्हों अजे भी माझा इलाका आख्या जाता, तो माझे का मतलब ही सेंटर का इलाका हुंदा। वह गुरु रामदास साहब महाराज जी की बख्शिश है साढ़े उत्ते, महाराज जी ने वह शहर सानू स्थापित किया है। फिर इस तों इलावा जो पातशाह जी के जीवन के मसंद प्रथा महाराज ने शुरू की, मसंदां दा काम यह हुंदा सी, देखो कुछ लफ्ज़ इदां दे हुंदे ने कि समा आउंदियां आउंदियां लफ्ज़ बुरे हो जांदे ने, पुरानियां लिखतां पढ़ांगे ना उदों लफ्ज़ बुरे नहीं हुंदे, पर समा बणदिया बणदिया गलत लोकां दे हत्थ वह लफ्ज़ आ जांदे ते लफ्ज़ बुरे लगन लग पैंदे ने। अक्सर असीं कहिंदे हां अज किसी नूं मसंद कह दो तो उहनूं गुस्सा लग जांदा क्योंकि वह लफ्ज़ इन्ना अपवित्र हो गया। गुरु रामदास साहब महाराज ने शुरू किया सी ए मसंद प्रथा। मसंद का मतलब हुंदा है मसनद लगा के बैठण वाला, समझ लो कि संगत दे कोलों जो भेटा आनी है वह उहदा काम हुंदा सी गुरु दरबार दे विच पहुँचाउणा, ते गुरु दरबार दे विचों कोई मैसेज है गुरबाणी की सिक्ख्या है उन्हें संगत नूं देनी हुंदी सी, वह कारदार बंदे हुंदे सी, उन्हां नूं भेटा भी मिलदी हुंदी सी, इस काम की सेवा दे विच भी बंदे लगे हुंदे सी, उन्हां दा काम सी कि वह संगत दे विच ते गुरु साहिबान दे विच एक कनैक्शन का काम करदे सी, वह मसंद प्रथा सी। वह हौली हौली गुरु गोबिंद सिंह तक पहुँचद्या उन्होंने इंज वहम हो गया भी असी चाहते हाँ तो गुरु नूं गुरता गद्दी दे उत्ते बिठाने, असी चाहिए तो गुरु नूं गुरता गद्दी दे उत्ते ना बिठाइए, जिन्हों असी कह दीए उन्हें गुरु बन जाना, जिन्हों असी कह दीए उन्हें गुरु नहीं बनना। वह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तक आउंदिया फिर इन्ने ज़्यादा जदों भ्रिष्ट हो गए तो महाराज ने वह प्रथा बंद कर दी। शुरू दे विच इह बड़ी ईमानदारी वाला काम सी महाराज गुरु रामदास साहब दे वल्लों शुरू किया गया। हुण जदों असी महाराज जी ने स्पैशल जदों अमृतसर शहर की स्थापना की, तो शहर की स्थापना का मतलब की हुंदा है, किसी भी शहर के आके बंदा उदों ही सरवाइव कर सकता है जे उत्थे उहदे कोलो घटो घट रोटी कमाउण जोगे पैसे ने। जिन्ने भी असी जाने हाँ जां जिन्नी पूरी दुनिया के माइग्रेशन हो रही है उहदा की रीज़न है, सब तो वड्डा रोटी का ही है मसला कि बस इत्थे ठीक है जां इहदे नालों होर अगे जाके किते वधिया होवेगी, जां उत्थे जावांगे उत्थे वालियां दे मन च इह ख्याल आवेगा भी नहीं उत्थों अगे किते होर जाके वधिया मसला होवेगा। है सिर्फ दो गल्लां ने बंदे दा लाइफ स्टाइल ते उहदा रोटी दा मसला, कि उहनूं लगदा भी इहदे नालों दूजी थां ज़्यादा वधिया होवेगी उत्थे जाके वेख लैंदे हां। सरवाइव उही बंदा कर सकदा है उस थां दे उत्ते जिथे घटो घट उहदी जेब दे विच कुछ पैसा आ रहा है। तो महाराज जी ने आप उस वेले अमृतसर दे विच, हुण वी वैसे गुरु बाजार उहदे नाम दे उत्ते बाजार है, महाराज जी ने 52 तरह के किता कर वसाए सन, 52 समझ लो 52 जिन्हां नूं कहिंदे आपां, उहदे विच जे 52 तरीके दे किता कर ने ते इहदा मतलब है कि उत्थे संगत किन्नी आउंदी जांदी होवेगी, भी थोड़ा भी कल्लियां 52 दुकानां खुल गईआं ते आउण वाला कोई है ही नहीं, आने वाले किन्ने होणगे, संगत किन्नी आउंदी जांदी होवेगी, कोई काबुल तो संगत आ रही है, अफगानिस्तान तो अज दे वेले च संगत आ रही है, होर थावां दे उत्तों संगत आ रही है, आगरे दी संगत जांदी है, कित्थों कित्थों संगत जाके ते उस थां दे उत्ते सारा ही उहनां दा आपसी व्यापार हुंदा है संगत दा। इह गुरु रामदास साहिब महाराज ने शुरू कीता सी। फाइनैंशली जिहड़ा बंदा अपने आप दे विच भगती अपने थां दे उत्ते है, सिख ने बंदगी करनी है
पर सिख घटो घट किरत वाले पासे तो अपने आप दे विच आजाद होवे न क्योंकि किरत दे विच आजाद नहीं होवेगा तो सुभाविक जी गल है वह बंदा खुल के बंदगी भी नहीं कर सकता वह कहण नूं जो मर्जी कही जाए भुखियां दे कोलों तो भगती भी नहीं हुंदी असीं अक्सर इस गल नूं कह दिंदे आ कि भूखे भगत ना कीजिया जिहे माला अपनी लीजिया सिख स्टेबल होवे अपने आप दे विच हर पासे तो जिंदगी दे विच जिथे असीं अध्यात्म नूं चुण के तुरना है भी भाई अपना अध्यात्म वाला आत्मक पासा ना साडा माड़ा होवे उत्थे घटो घट असीं जिंदगी दे उन्हां पासियां नूं भी नाल लैके तुरना है कि समाज दे विच भी साडा एक स्टेटस बनिया रहे। बाबा कबीर कहिंदे हुंदे ने निर्धन आदर कोई ना दे, निर्धन बंदा होवे तो कोई आदर नहीं दिंदा हुंदा। अपने आप नूं उस पासे तो भी बना के तुरना है भी समाजिक पासा भी तो धार्मिक पासा भी सिख ने दोवें पासे उपर लैके तुरने ने। यह नहीं भी एको पासे वाल ज़्यादा डिग पिया तो दूजे पासे दा चेता ही भुल गया जीवन दे विच। ग्रस्त इनू ही आख्या है भी बंदा हर पासे तो अपने आप दे विच संतुष्ट होवे जीवन दे विच। ते महाराज जी दे जिहड़े चंगे सिख सी जिहड़े सफर दे लई वपार करदे हुंदे सी जां दूर दूर दे उत्ते इलाकियां ते जांदे सी महाराज जी ने घोड़ियां दा वपार भी शुरू कराया सी। अगे चल के ये गल्लां बाद दे विच होर वड्डे रूप दे विच आ जांदियां ने कि समझ लो वैसे भी इधर दी जिहड़े नसल दे घोड़े ने खास करके अफगान दे वल्लों इराक दे वल्लों एक स्पैशल घोड़ा है इराक दे खास इलाके दे विच पैदा उन्होंने इराकी आख्या जांदा सी उस वेले ओ क्योंकि उधर अजे भी तुसीं वेख लैणा उन्हां लोकां दे शौक अजे भी इदां दे ही ने और सब तो महंगे महंगे घोड़े अजे भी इधर दे इलाकियां दे विच तुहानूं मिल जाणगे। हालांकि बाकी दुनिया दे विच है ने असीं ये नहीं कहिंदे पर क्योंकि बाय रूट इधर वपार उदों भी चलदा सी ते घोड़े उस वेले वपार दा बहुत वड्डा साधन सी क्योंकि लड़ाइयां अक्सर चलदियां रहिंदियां हुंदियां सी उधरों कोई घोड़े खरीद के लैके आउणे इधर आ के वेचणे ते प्रॉफिट हो जाणा उन्हां नूं। ओह एक बार इस जीवन दे विच जिहड़े खास करके वपारी बंदे सी महाराज गुरु रामदास साहिब ने सिखां नूं इस पासे भी तोरिया सी भी महाराज दा जीवन जदों असीं अध्यात्म दा पासा वेखांगे तो वह ठीक है कि सच्चे पातशाह जी ने सानू गुरबाणी दी दात बख्शी सानू जीवन दी दात बख्शी भी जीवन मिलिया कदे लई है पर महाराज ने सानू घटो घट सुसाइटी दे विच स्ट्रोंग होण दे लई वो चीज़ महाराज ने साडे झोली दे विच पाई है भी एवें ना जिंदगी नूं गवा जायो हर पासे तो आलस वाली जिंदगी नहीं कमाइयां करनियां ने ते बंदा रज के करे ते बंदा अध्यात्म नूं भी रज के कमावे दोवें पासियां वाली जिंदगी महाराज ने रखी है। अगे दातां देण वाला दाता है आलसी जां बंदा नहीं गुरमत दे विच प्रवान कीता गया। पातशाह जी गुरु रामदास साहिब महाराज जी की जदों असीं बाणी की गल पढ़ांगे तो लगभग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर कुल 31 राग ने 31 रागों के 30 रागों के गुरु रामदास साहब की बाणी है। ये पहली बार गुरु नानक साहब के घर के मैं बेनती कर देवां कि 19 रागों के गुरु नानक साहब की बाणी है 17 रागों के गुरु अमरदास साहब की बाणी है। गुरु रामदास साहब महाराज जी ने गुरु नानक साहब तो इलावा 11 राग होर वरते ने और जे असी इदू वेखो मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी संपादना वाले दिन बेनती की सी भी गुरु नानक साहब के घर के गुरु अमरदास साहब के वेले जिहड़ा स्कूल चलता पिया सी ना पढ़ाउण वाला वह बड़े कमाल दा सी। वो ठीक है साढ़े को लिखता नहीं सामने आईया जां साढ़े को बहुतिया चीज़ा अवेलेबल नहीं हुई पोथियां तो लिखिया मिल जांदियां ने उस स्कूल दे विच किड्डे कमाल दा पढ़ाया जा रहा होवेगा। गुरु तो है ही गुरु है पर इस गल नूं वेखियो भी बचपन दे विच ना गुरु रामदास साहब की कितने पढ़ाई का जिक्र आउंदा भी महाराज पढ़े पढ़ना की सी हालात ही नहीं सी इदां दे उस वेले बंदे ने अपने जीवन दे विच कमाई वल वेखना सी जदों बाकियां दा भार उत्ते पिया कदों पढ़ाई वल वेखना सी कोई पढ़ाई का जिक्र नहीं आउंदा गुरु रामदास साहब महाराज जी का। तो जेकर गुरु बख्श लवे एक राग भी सीखना होवे ना एक राग भी तो उहदे उत्ते कई महीने लग जांदे ने ते सच्चे पातशाह गुरु रामदास साहिब महाराज जी ने 30 रागां दे विच बाणी उचारी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अंदर। गुरु अर्जन साहिब महाराज दी भी 30 रागां दे विच है। कहण दा मतलब यह है कि जदों असीं महाराज ये ठीक है कि मैं वार वार इन्हां बचनां नूं दोहरा रहा हाँ कि गुरु रामदास साहिब महाराज इस गल्लों कहिंदे ने कि जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साहबे तुम हर जाणो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संघ कीरे हम थापे। पर महाराज ने जो स्ट्रगल अपने समाजिक जीवन दे विच कीता है ना महाराज ने उन्हू सारे नू सामने रख के सिखां दे जीवन दे विच ये जरूर सौख कीती सी भी जो घटना घटो घट असीं वेखी है वह बाकी सिख इस पासे तो सौखे जरूर हो जाण जे महाराज दे जीवन दे विच इस गल दी सिख्या नू असीं समझ सकीए। ते
हर एक गल नूं चैलेंज करके वेखना भी महाराज का बचपन जिहड़ा है वह पैसे की तंगी वाला है। तो पैसे की तंगी का मतलब यह नहीं भी महाराज ने आख्या भी ज़्यादा चाहिए, उदों इन्ना भी नहीं सी भी घर के हालात भी सही हो जाए, इन्ना भी नहीं है गुरु साहब के घर के विच। उस वेले गुरु रामदास साहब महाराज जी 30 रागों के गुरु ग्रंथ साहब महाराज के इन्हां दी बाणी फिर जिहड़ा हुण असीं लावां दा पाठ करते हाँ साढ़े आनंद कारज के वेले वह गुरु रामदास साहब महाराज जी का ही शब्द है। महाराज जी 1574 तो लैके तो 1581 लगभग 7 साल का समा गुरता गद्दी दे उत्ते विराजमान रहिंदे ने। महाराज जी दे 3 सपुत्र ने, सवेरे भी लगभग इस पासे दी विचार होई है, सब तो वड्डे बाबा प्रीथी चंद जी, फिर दूजे नंबर दे उत्ते बाबा महादेव जी, ते तीजे ने गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी। जदों बाबा प्रीथी चंद गुरु दरबार दे विच उन्हां दी सेवा सी, क्योंकि उम्र दे विच गुरु अर्जन साहिब तो वड्डे सी ते प्रबंध संभालदे हुंदे सी वी संगत दी भेटा आउणी है, ये एवें नहीं सी गुरुकाल दे वेले भी ते हुण वी भी जो पैसा आया तो उहदा रिकॉर्ड नहीं रख्या जांदा। इत्थों तक दीआं गल्लां वी ने कि संगत दे विच जे किसी सिख ने उत्थों पैसे दिते ने उन्हें उत्थे रजिस्टर दे विच वखरा चढ़ाया होया है भी मैं इन्नी भेटा गुरु घर दे विच दित्ती होई है। अगों वह जिहड़े मसंद हुंदे सी वह वक्रा इतने आके रजिस्टर के गुरु घर के आके नोट कराते होंगे से भी फलाने सिख ने इन्नी भेटा दी सी, उहदी भेटा मैं इतने लैके आया हाँ। इतों अगे समझ लो भी उन्होंने रसीद कर दिता जाता सी भी हाँ फलाने सिख की भेटा है इतने आके पहुँच चुकी है। जे मसंद राह दे विच खराबियां करदे सी ते किसे वेले ये भी घटनावां साढ़े सामने आ जांदियां भी वह सिख भी आके महाराज नूं सीधा पूछ लैंदे सी, महाराज मैं तुहाडी भेटा भेजी सी पहुंची तुहाडे कोल कि नहीं, फिर गुरु साहिब ने वेख लैणा भी हाँ पहुंची आ कि नहीं पहुंची। ये नहीं सी कि पैसा आया तो बस इदां ही चला गया, हर चीज़ का बाकायदा उदों भी रिकॉर्ड रखिया जांदा सी। कोई भी चीज़ आउणी है चाहे लंगर की रसद है चाहे कपड़े आ रहे ने कुछ भी आ रहा है, यह सारा संबंध प्रबंध उदों बाबा प्रीथी चंद करदे सी। तो सुभाविक जी गल है जिहड़ा बंदा प्रबंध दे विच होवे ना तो वह सारा दिन बिजी बहुत रहिंदा, उहनूं ध्यान बड़ा रखना पैंदा हर एक चीज़ का भी आह चीज़ वेखणी है, क्योंकि मैनेजमेंट सौखा काम नहीं है सारे वह भी नहीं कर सकते। उस उन्हां नूं एक ना मन दे विच इदां रहिंदा भी सारा दिन तो आपां बिजी रहिंदे हां, किन्ना काम है भी असीं गुरु घर दे विच किन्नी सेवा करी जाने हां, अज दे हिसाब दे नाल ही वेख लईए तो साढ़े नाल भी हो जाता है। असीं किसी नूं नहीं कहिंदे कि आ भी सारा सारा दिन मान लो भी गुरपुरब आ गया है सारा दिन वेल नहीं लगना, कोई वड्डा समागम आ गया है सारा दिन वेल नहीं लगना, किन्ने किन्ने समागम ने भी कोई ज़्यादा जिदा गुरु नानक साहब का गुरपुरब आउंदा है तो कई थावां उत्ते जां होर थावां उत्ते भी मान लो 20 दिन 25 दिन पहला ही जिदा प्रभात फेरियां निकलियां शुरू हो जांदियां ने, वह किन्ना वह एवें नहीं कि बस एक तो गुरु कृपा करे है तो संगत दे बंदे ने भी मान लो कोई आया है तो उहदा काम सिर्फ इन्ना कि मत्था टेकिया तो उन्हें प्रभात फेरी हाजरी भरी है तो वाह भली गल है, बुरा नहीं है मैं कहना हाँ, पर रब ना करे पातशाह तंदुरुस्तियां देवे असी इस नूं सोचिए। जे प्रबंधक होने वाले पासे तो सोचते हाँ तो गुरु घर दे विच बैठे हाँ कुछ भी घटना वापर जाए महाराज तंदुरुस्तियां देवे, सिर्फ मैं सोचता हुंदा कुछ घटना वापर जाए इहदा जवाब दे कौन होवेगा सब तो पहला, इहदे जवाब दे प्रबंधक हुंदे ने सब तो पहला। वह सौखा नहीं हुंदा इस गल दे उत्ते चलाउणा, मान लो मैं पिछे बैठा उन्हां नूं कह सकदा ये आ नहीं करदे ये ओह नहीं करदे सारा कुछ चली जांदा, पर असल दे विच किन्नी वड्डी जिम्मेवारी है कुछ भी वापर जाए। मान लो दो जणे दी आपस च बैठियां दी लड़ाई होवे, लड़ाई बाहर टब्बरां दी सी लड़ गुरद्वारे आ के पए तो पंगा किहनूं पै गया, पंगा मैनेजमेंट नूं पै गया। वह एक ना बिजी रहिंदा काम है मन इस चीज़ दे विच, तो जदों बिजी रहन लग पैंदा फिर मन नूं इह वी हौंसला आउण लग पैंदा भी वाह किड्डे काम च आपां लाए महाराज ने, फिर उहनां बंदिआं नूं गुरु बख्श लवे कईआं नूं छड्ड के फिर उहनां नूं बंदगी करन दा चेता वी भुल जांदा, फिर उन्हां नूं भगती करन दा चेता वी भुल जांदा, फिर नितनेम वी छुट जांदा बहुतिआं दा भी छड्डो परां कोई नहीं सेवा तो आपां करी जांदे सानूं की लोड़ है नितनेम करन दी। वह असल दे विच गुरु बख्श लवे महाराज गुरु अर्जन साहब महाराज जी के वड्डे भरा ने, गुरु रामदास साहब के पुत्र ने, पर यह तो बिरती है साड़ी भी हो इदा जाता है बाबे प्रीथी चंद नूं सेवा करद्या करद्या ये चीज़ ही भुल गई सी भी बंदगी भी कोई चीज़ है, इन्नी सेवा करद्या करद्या ये भी भुल गया भी सेवा है की असल दे विच, वो चीज़ ही भुल गई, उन्हें यह भी जिम्मेवारी सारी मेरे उत्ते है। वह जिदन गुरु अर्जन साहब महाराज जी के कोलों जां इदां कह लो भी संगत दे विच इस गल दा पता लग गया ना भी बाबा प्रीथी चंद ते होर ही किसे ख्याल दे विच तुरिया फिरदा है भी ये कहिंदा भी गुरु मैं बन जाणा है भी गुरु अर्जन साहिब ते इत्थे ही ने क्योंकि लाहौर गए हुए सी महाराज जी ते
ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੌਂਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੰਚਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੌਂਸਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਓ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਖੋਇਆ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਰਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਨਣੀ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭੇਟਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਲਸਣ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਾਗਾ ਬੱਝ ਗਿਆ ਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ? ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ।
क्योंकि ये तो रब की दात है। सच्चे पातशाह गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने गुरता गद्दी का ऐलान करके तो आप महाराज जी गुरु अर्जन साहब के नाल ही उन्होंने पता सी भी अमृतसर के बखेड़ा खड़ा किया जाएगा। महाराज जी आ जाते ने गोइंदवाल साहब के इस अस्थान के उत्ते सच्चे पातशाह जी जदों मिलते ने परिवार को बाबा मोहरी जी बाबा मोहन जी होर गुरु साहब के गुरु अमरदास साहब महाराज के परिवार वाले होंगे ने गुरु अर्जन साहब के नानका परिवार से इतने सारे मुखी सिखां नूं इत्थे फिर इकट्ठा किया जाता। इत्थे गुरु अर्जन साहब महाराज जी की गुरता गद्दी की रस्म अदा करन तो बाद दे विच गुरु रामदास साहब महाराज जी संगतां नूं बुलाउंदे ने। तो मैं जिदा बेनती की है वेखो गुरु साहिबान नूं अपने आउण वाले समय का पता सी भी असीं इस संसार दे विचों चले जाना है। इस करके गुरु साहिबान दे विच ये जीवन दियां बड़े कमाल दियां घटनावां ने कि महाराज अपने तो पहला ही गुरता गद्दी दे उत्ते विराजमान कर जांदे ने। नहीं तो उमरां दा हिसाब लाइए तो आपां वेखदे पए हां भी किन्नी कु उमर है। 50 साल तो उमर वध ते सिर्फ 3 गुरु साहिबान की उम्र होई है भी कोई उम्र कहे भी नहीं। जो तो बड़ी उम्र पई हुई सी ते ना ही कभी इदां होया भी महाराज जी ने इधरों गुरता गद्दी दे दी तो दूजे सतगुरु कई कई साल तक बाद इस संसार दे विच रहे। सच्चे पातशाह नूं पता सी भी भाई संसार दे विच जाण दा वेला आ गया और इन्ना सहज है जीवन दे विच कि जाण दा पता लग गया तो वेखण लगे भी ओह हुण की बनना है। जीवन च सहज इन्ना है। महाराज गुरु रामदास साहिब महाराज जी ने सारी संगत नूं इकट्ठा किया अपने लागे समझाया भी साढ़े जाण दे उत्ते जो गुरु अमरदास साहिब महाराज ने आख्या उस गल नूं साढ़े जाण ते किसी ने शोक नहीं करना किसी ने विरलाप नहीं करना कोई मनमत दा कर्म नहीं करना। तो महाराज जी ने फिर जो अपने नाल बाबा मोहरी जी ने बुलाया तो बाबा मोहरी जी क्योंकि मामा जी लगते सी बादशाह जी दे हजूर ने आख्या कि बाबा मोहरी जी ने भी गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने ताड़ी सौंपना दे विच दे के चले हाँ उदी तुसी जदों भी कोई औखा वेला आउंदा है सौंपना उदे हाथ दे विच कर चले हाँ कि गुरु अर्जन साहब तो गुरु ने परिवारक नाँ के उत्ते रिश्ते दे उत्ते गुरु अर्जन साहब महाराज की जिम्मेवारी वह कह दो बाबा मोहरी जी ने। तो बाबा मोहरी जी अगों कहिंदे कहिंदे जिदन साढ़े पिता ने सानू ये आख्या सी ना भी गुरु रामदास साहब नूं मत्था टेक दो तो बिना किसी हील हुजत दे असी उस वेले मत्था टेकिया है। मोहरी पुत सनमुख हुआ रामदास साहब पैरी पाए जियो ये गुरु ग्रंथ साहब का हवाला है। तो सच्चे पातशाह जदों असी अपने पिता के आखे ला के तुहाडे पैरी पए हैं ना तो तुहाडे आखे ला के गुरु अर्जन साहब के पैरी भी पै जावांगे। हालांकि उम्र के बहुत छोटे सी सच्चे पातशाह गुरु अर्जन साहब महाराज जी पर बाबे मोहरी ने गुरु जाणिया है पर जिथे सौंपणा की गल है उत्थे कहिंदे महाराज असी नाल हाँ सारे इन्हां दे। फिर इस तों इलावा बीबी भानी जी दे नाल महाराज ने घर दियां जो गुरु अर्जन साहब महाराज दे वेले दियां गल्लां ने वह गल्लां करन तों बाद बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास साहब वर्गे सिख महाराज दे कोल सी उस वेले सच्चे पातशाह जी ने उन्हां सिखां दे वल वेख्या ते हजूर जी आप फिर महाराज जी जदों जमीन दे उत्ते लेट गए ने ते इदां सच्चे पातशाह जी ने अपना शरीर त्यागया है। मैं इस गल नूं वेखदा हुंदा हाँ कि वेखो गुरु कृपा करे ये रब ने ना एक रहस्य जिहा रख्या है भी किसी बंदे नूं पता नहीं है भी असीं कदों चले जाणा है। जे बंदे नूं पता लगे तो बंदा पहला ही चला जाए क्योंकि चैन ही नहीं आउंदा जीवन दे विच। पर गुरु घर दे विच किड्डे कमाल दी गल है बंदगी दे उत्ते पहुँचे हुए महापुरश उन्हां नूं इस गल दा पता है भी जिंदगी ते चले जाणा है। महाराज बस लेटदे ने शरीर दे विचों जो जोत है वह चली जाती है शरीर उत्थे प्यारिया जाता है बिल्कुल सहज दे विच जीवन कोई अंतिम वेले भी ये नहीं भी बड़ी तगड़ी हफड़ा दफड़ी है कुछ नहीं है। संगत उदा ही बैठी हुई है संगत नूं बाद दे विच पता लगता भी ये कौतक वरत गया है महाराज जी इस संसार दे विचों जा चुके ने। बाबा बुढ़ा साहब बाकी संगतां नूं वार वार गुरु साहब का हुक्म चेते कराउंदे ने। उस वेले जे उम्र दे विच वेखीए ते जां आपां कह दीए कि सत्कार वाले पासे तो ते बाबा बुढ़ा साहब सब तो उत्ते ने। बाबा बुढ़ा साहब वार वार चेते कराउंदे ने भी गुरु रामदास साहब कह के की गए ने ब्यास दरिया के कंढे के उत्ते सच्चे पातशाह जी दे अंतिम संस्कार दे लई चिखा तैयार की जाती है। उत्थे गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे वल्लों सच्चे पातशाह गुरु रामदास साहब महाराज जी का शरीर अग्न भेट किया जाता है। इस तरह सच्चे पातशाह गुरु रामदास साहब महाराज जी 1581 दे विच अपने चलाने के कौतक तो पहला
महाराज जी पंजम पातशाह सचे पातशाह गुरु अर्जन साहब महाराज नूं गुरता गद्दी दे उत्ते विराजमान हो के ते इस संसार दे विचों ओ ज्योति जोत समा जांदे ने रुखसत हुंदे ने 1534 तो लैके ते 1581 तक दा ये जिहड़ा सचे पातशाह गुरु रामदास साहिब महाराज जी दा लगभग 47 साल दा समा है जो सतगुरुआं ने इस संसार दे विच बतीत कीता है। पातशाह जी दे जीवन दीआं कुछ सिक्ख्यावां कुछ उन्हां दीआं बख्शिशां उन्हां नूं असीं जीवन दे विच इत्थे विचारन दी कोशिश कीती है, अंतिम समें नूं विचारिया है।